यहां पे अच्छाई और बुराई का मतलब है सिलेक्शन होना और सिलेक्शन ना होना। याद रखिए, मौका मिलता नहीं है, मौका बनाना पड़ता है और मौके बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन आप सिर्फ समस्या के बारे में सोचते रहेंगे, उसका समाधान नहीं निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो समस्या विकराल रूप लेती चली जाएगी। मजबूत बनो, मजबूर नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप में से महाभारत की कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी। महाभारत का वो किस्सा जब अर्जुन युद्ध करने के लिए मैदान में उतरते हैं और सामने देखते हैं कि कौरव उनके सामने हैं और वो युद्ध लड़ने से मना कर देते हैं। उनका कहना है कि मैं अपने ही भाइयों के खिलाफ युद्ध कैसे लड़ूं, मैं अपने ही हाथों से अपने परिवार, अपने भाइयों को कैसे मारूं। ऐसे में कृष्ण भगवान उन्हें समझाते हैं कि ये युद्ध जो है ये आपसी परिवार का मामला नहीं है, बल्कि ये युद्ध अच्छाई और बुराई का है। उसके बाद फिर वो अर्जुन को कन्विंस करते हैं और अर्जुन ये युद्ध लड़ते हैं और उसके बाद क्या हुआ ये आप सभी जानते हैं। तो आज का ये जो मेरा टॉपिक है कि मजबूत बनो मजबूर नहीं, वो इसीलिए है क्योंकि मैं लगातार आपके कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ, आपके कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश भी करता हूँ और उसमें से बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे दिखते हैं जिसको पढ़ के मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों आप किसी भी तरह की मजबूरी को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। उदाहरण के तौर पे एक मैसेज आया कि मैं दिन भर दुकान में काम करता हूँ, मैं CGPSC की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं अधिकारी बनना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले मुझे लगातार काम करा रहे हैं। ठीक है, वो आपको काम करा रहे हैं, हो सकता है कि आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो, उनके पास कोई और हैंड नहीं है तो वो आपको दुकान में बैठने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप दुकान में पूरे 12 घंटे व्यस्त नहीं रहते हैं। जितनी देर भी आपको समय मिले, जितनी देर भी कस्टमर न रहे, 5-5 मिनट का गैप, 10-10 मिनट का गैप, इस गैप में आप चाहो तो पढ़ाई कर सकते हो। आप एक शुरुआत तो करो, आपने पहले ही कोई चीज़ अपने दिमाग पे जो है प्रेशर बना के ओढ़ ली और उसके बाद आप शुरुआत ही नहीं कर रहे हो, तो जब आप शुरुआत कर ही नहीं रहे हो तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? दूसरों को कोसने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरों को कोसने से आपकी अपनी गलतियां कम नहीं हो सकती। आपको ये लगता है कि सारी गलती दूसरों की है, जबकि आपको मौका मिलता तो आप बहुत बेहतर बन सकते हैं। याद रखिए, मौका मिलता नहीं है, मौका बनाना पड़ता है और मौके बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। तो आप इस तरह की कंडीशन में हैं कि आपको समय नहीं मिल रहा है या आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो ये आप ही हैं जो अपने लिए समय निकालेंगे और अपने लिए मौका तलाशेंगे। एक और किस्सा मजबूरी का कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे आसपास वाले जो है मुझे चढ़ाते हैं, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता। तो आपकी उम्र ज़्यादा है, इससे दूसरों को क्या फ़र्क पड़ता है? आप उन्हें ये साबित करके दिखाइए कि आप इस बढ़ती उम्र में भी इतने टैलेंटेड हैं कि आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब आप हासिल करके उन्हें दिखा देंगे तो सामने वालों का मुंह तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन पहले से ही आप अपने ऊपर प्रेशर ओढ़ ले रहे हैं, पहले से ही आप अपनी मजबूरी साबित कर दे रहे हैं कि लोग मुझे ऐसा कर रहे हैं, लोग मुझे वैसा कह रहे हैं, मैं क्या करूं? तो ऐसी कंडीशन में तो आप जो है मानसिक रूप से और कमज़ोर होते जाएंगे, और जब आप मानसिक रूप से कमज़ोर होते जाएंगे तो पढ़ाई में मजबूत कैसे बनेंगे? इसी तरह का कुछ और किस्सा है जो बहुत सारा है, मैं आपको सामने कितने ही किस्से लेकर आऊँ, लेकिन ओवरऑल जो मेरा ये टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है कि आप खुद को मजबूत बनाओ, खुद को मजबूर मत करो। एक किस्सा और इंक्लूड कर देता हूँ, उसमें ये मैसेज था कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं किताबें नहीं खरीद सकता। ठीक है, आप गरीब परिवार से हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन आप एक ग्रेजुएट लेवल के इंसान हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद आप PSC की तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्र के कुछ बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ा ही सकते हैं। एक बच्चे से आप मात्र 100 रुपये लीजिए, 150 रुपये लीजिए, 200 रुपये लीजिए, उतना कोई भी पेरेंट दे देगा। आप गांव के 5 बच्चों को बिठा के ट्यूशन पढ़ाइए 2 घंटे पर डे, आपका 1000 रुपये तो वैसे ही आ गया, आप इन 1000 रुपये की किताबें खरीद लीजिए। तो देखिए, समस्या का निदान निकलता है, लेकिन आप सिर्फ समस्या के बारे में सोचते रहेंगे, उसका समाधान नहीं निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो समस्या विकराल रूप लेती चली जाएगी। अब एक मैसेज आया कि सर, मैं CGPSC टॉप करना चाहता हूँ लेकिन मैं NCERT नहीं पढ़ सकता, मैं क्या करूँ? भाई, एक तरफ तो आपका कहना है कि आप CGPSC टॉप करना चाहते हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मैं CGPSC के लिए मैं NCERT नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ सकता, ये वर्ड अपने आप में बड़ा अजीब टाइप का लगता है। क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? क्या वो उर्दू में लिखा हुआ है? क्या वो फारसी में लिखा हुआ है? क्या वो हलबी में लिखा हुआ है? हिंदी में है, इंग्लिश में है,
कितना टाइम लगता है उसको पढ़ने में, पढ़ो आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखो, एज इट इज़ क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताबों से उठ के सीधे पेपर में आ गए हैं। अब आप नहीं पढ़ोगे तो नुकसान किसका? तो ये जो मजबूरी आप बता रहे हो कि मैं नहीं पढ़ सकता, ये मजबूरी नहीं, ये आपकी कमजोरी है। और इस कमजोरी से ऊपर अब जब तक नहीं उठेंगे तब तक आप अपना अलग लक्ष्य कैसे हासिल करेंगे? तो इसीलिए मेरे एस्पिरेंट, आप सभी जो है अर्जुन हो, आप सभी के अंदर बहुत ताकत है, आप सभी अपने लक्ष्य के प्रति सभी जो है समर्पित हो। बस आपको वो एक मानसिकता दिखानी है, वो एक मजबूती दिखानी है जिससे आप आगे बढ़ सको। तो आप लाचार मत बनिए, आप युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप होने भी शुरू हो सके हैं, तो आप जो है युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। अब युद्ध के मैदान में जब आप उतर चुके हैं तो अर्जुन की वो कंडीशन को हावी मत होने दीजिए जब उन्होंने अपनों के सामने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। आप और कृष्ण की बातों को सुनिए, और कृष्ण की बातों को सुन के अच्छाई और बुराई के बीच में फ़र्क समझ के आप लड़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे अच्छाई और बुराई का मतलब है सिलेक्शन होना और सिलेक्शन ना होना। अगर आप युद्ध नहीं लड़ेंगे, अर्थात कि आप अपनी किताबों में नहीं घुसेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो आप जीत नहीं पाएंगे, यानी कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और आप अपनी मजबूरी को ऐसे ही अपने ऊपर हावी होते देखते रहेंगे तो आप लड़ाई हार जाएंगे, यानी कि आप मजबूरी में अपनी पोस्ट को खो देंगे। अब फिलहाल सबसे बड़ी मजबूरी लोगों की ये दिख रही है कि 76% अगर आरक्षण हो गया तो 24% ही सीटें बचेंगी, उसमें वो क्या ही कर लेंगे। तो आप सीधे टॉप 20 में आने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? आप ये क्यों सोच रहे हो कि अगर 189 पोस्ट है तो मैं 189 रैंक पे आके एक पोस्ट सिक्योर कर लूँ? आपको मानसिक मजबूती लानी होगी, आपको अपनी मजबूरी से ऊपर उठना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो पाओगे। और आप सीधे टॉप 20 में आने के बारे में सोचो, आप सोचो कि आप टॉप 20 में हैं और आपको जो पोस्ट चाहिए, हायर पोस्ट, वही आपको मिलेगी। इसे एक पॉजिटिविटी के रूप में लेके देखिए कि अगर आप टॉप 20 में आते हैं तो सिर्फ आपको क्लास 2 की पोस्ट मिलेगी, आपको क्लास 3 की पोस्ट की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, यानी कि आप एक बड़े अधिकारी बन के निकलेंगे। तो इस तरह से अपनी मजबूरी को किनारे करिए और अपने अंदर की मजबूती को बाहर लाइए, सामने रखिए, जंग लड़िए और अपनी वो पोस्ट हासिल कीजिए जिसके लिए आप लगातार प्रयास करते रहते हैं, जिसके लिए लगातार आप तैयारी कर रहे हैं। आपने अपने मन में युद्ध जीत लिया है सिर्फ ये सोच के कि आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपने एक बहुत बड़ी बाधा तो बहुत पहले ही पार कर ली है। अब सिर्फ एक बाधा बची हुई है, वो है एग्ज़ाम देने की। तो वो एग्ज़ाम देने की जो बाधा है उसको मजबूरी में नहीं बल्कि मजबूती से दीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकें। और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। कोई दूसरा आपकी मजबूरी को दूर नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपके हालात को समझ नहीं सकता, कोई दूसरा आपके हालात के अनुसार ढलने के लिए आपको समझा नहीं सकता, ये आप ही हैं जो तय करेंगे। एक मैसेज और जोड़ देता हूँ जो मैं भूल गया था, सोचा था कि शुरू में ही उसको जोड़ दूंगा, वो ये था कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो ये किसने कहा कि सुबह उठ के ही पढ़ना ज़रूरी है? आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो आप देर रात तक पढ़िए, सुबह आराम से सोइए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सुबह उठ के पढ़ेंगे तो ही आप ज़्यादा आपको याद होगा। ऐसा कोई साइंटिफिक अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि सुबह पढ़ने वाले ज़्यादा तेज़ होते हैं या रात को पढ़ने वाले तेज़ नहीं होते हैं। तो जब आपका पढ़ने का मन होता है, जब आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप तब पढ़िए। इस टॉपिक पे एक बार मैं अलग से ज़रूर बात करूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं यही कह रहा हूं कि अपनी मजबूरी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, आप अपनी मजबूती को अंदर से निकालिए। अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो हो सकता है कि आपका साइंस मजबूत हो, अगर आपकी हिस्ट्री कमज़ोर है तो हो सकता है कि आपकी इकोनॉमिक्स मजबूत हो। हर टॉपर का हर एक सब्जेक्ट मजबूत नहीं होता, आप टॉपर्स के रिजल्ट निकाल के देख लीजिए। किसी न किसी एक या दो सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम होते हैं, लेकिन किसी न किसी एक या दो सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उस मार्क्स को ऐसे मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको वो मजबूत करने की कोशिश करता है, और जो उसका मजबूत है उसको और मजबूत कर लेता है, ताकि कहीं से भी कोई गैप छोड़ने की गुंजाइश न रहे। तो इस तरह से मेरे एस्पिरेंट्स, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप मजबूरी का दामन मत ओढ़िए, इससे बाहर निकलिए और अपनी जंग जीतने के लिए, अपनी पोस्ट लेने के लिए अपनी मजबूती को अपने ऊपर हावी होने दीजिए और मजबूत बनकर निकलिए, ताकि आप अपने पोस्ट को ले सकें, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें और वो बन सकें जो आप बनना चाहते हैं। तो एक बार फिर से कहता हूँ कि मजबूत बनो, मजबूर नहीं। जय हिंद।